इन क्वेश्चंस पे नजर मार लो इतनी देर ना ये वाला क्वेश्चन देख लो एक बार हुआस yes, समझ गए ना इस क्वेश्चन को आप लोग अब देखो इस क्वेश्चन में ना मैक्सिमम वर्क पूछ रहा है तो मैक्सिमम वर्क पूछेगा तो सिंपल फंड है आपको क्या लगाना पड़ेगा रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला रिवर्सिबल वर्ग के फॉर्मूले के अंदर फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम 20 लीटर 5 लीटर 20 बाय 5 मोल कितने दे रखे हैं जी 16 तो हाफ मोल यहां हो गया ग्राफिकल डिफरेंस ऑफ रिवर्सिबल एंड इन रिवर्सिबल ग्राफिकल डिफरेंस इन बिटवीन द रिवर्सिबल एंड इवर्सिबल चेक करना बच्चे ध्यान से जब आप इस तरफ जा रहे हो तो देखना कि इक्विलिब्रियम जो है सॉरी रिवर्सिबल प्रोसेस जो है रिवर्सिबल वो स्मॉल इक्विलिब्रियम्स का सम है जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो कई सारे स्मॉल इक्विलिब्रियम्स का सम है क्लियर तो स्मॉल इक्विलिब्रियम्स का सम करते जाओगे जब आप तो आपके पास जो ए से बी जो आपके पास ए टू बी आइसोथर्मल क्योंकि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ तो आइसोथर्मल ही होगा पता ही आपको रिवर्सिबल बिकॉज इट इज द सम ऑफ स्मॉल अगर आप मेरी बात को ब exactly समझ सम, समझ पा रहे हो तो जबकि प्रेशर वॉल्यूम में इसकी बात करें आइसोथर्मल इरिवर्सिबल क्योंकि ये सडन चेंज है अगर मैं आप चेक करोगे ना द एरिया अंडर द कर्व ए बी वी टू वी वन ए बी V2, टू वी वन ये दीप करेगा वर्क डन रिवर्सिबली फिर मैं आपसे कह रहा हूं जब कोई वर्क कैलकुलेट करो और वो स्मॉल इक्लिबियम का सम हो तो आप उसको बोलते हो क्या रिवर्सिबल वर्क कोई सडन चेंज नहीं है कोई लार्ज डिफरेंस इन बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स नहीं है लेकिन इसी चीज को अगर आप इरिवर्सिबल में चेंज करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया सीधा वन एटीएम से टेन एटीएम स्मॉल इक्विलिब्रियम का सामना होकर ड्राइविंग और अपोजिंग के बीच में एक लार्ज डिफरेंस हो कंसिडरेबल डिफरेंस हो तो उसको आप क्या बोल देते हो इरिवर्सिबल फॉर्मुला डब्ल्यू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी ठीक है जी और ये देखो मैंने पहली बताया आपको जब आपसे मैक्सिमम वर्क कहे जब आपसे वो मैक्सिम वर्क कहे की बात कर रहा है तो कह ना फॉर द द सेम इंक्रीज इन वर्क ऑफ एक्सपेंशन डन रिवर्सिबली इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इरिवर्सिबली अब है आइडियल गैस एक्सपेंड अगेंस्ट वैक्यूम इसको आप लोग सारे समझते हो एक नाम देते हैं फ्री एक्सपेंशन नाम देते हैं फ्री एक्सपेंशन तो जिसमें आप पी एक्सटर्नल जब अगेंस्ट वैक्यूम बोल दिया तो पी एक्सटर्नल क्या हो गया जीरो क्लियर डब्ल्यू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी और जब आपके पास पी एक्सटर्नली जीरो कर दिया है तो डब्ल्यू भी क्या हो गया जीरो और कोई हीट की सप्लाई के बिना दिए बिना किसी हीट की सप्लाई के आप उसको एक्सपेंड कर रहे हो तो हीट की जब सप्लाई नहीं तो क्यू भी क्या हो गया जीरो तब तो वो कह रहा है ना फ्री एक्सपेंड फ्री एक्सपेंड में डब्ल्यू जीरो क्यू जीरो नहीं दी है heat की supply ना देकर जबकि आपने क्या क्या कर 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 दिया दिया और करते हो गया Sudden वो expand कर गया वो तो अब आपके पास है हीट मैं कह रहा हूं थर्मो डायनामिक्स के अंदर आप थर्मोडाइनेमिक क्वांटिटीज की बात कर रहे हो तो पहली क्वांटिटी इंटरनल एनर्जी थी दूसरी क्वांटिटी आपके पास वर्क हो गई तीसरी क्वांटिटी अब आपके पास कौन आ रही है हीट अगर आप मेरे को exactly सुन रहे हो तो तो दूसरी बात अब इसको दो तरीके से डिफाइन किया आपने क्या वो चलो बाद में कर देते हैं पहले फर्स्ट ऑफ थर्मोडाने की बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडाने क्या है एनर्जी कंजर्वेशन लो फर्स्ट लॉफ थर्मोडाने इज एनर्जी कंजर्वेशन लो पहली बात एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉर प्रोड्यूस्ड और नॉर डिस्ट्रॉयड क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड बट आप क्या कर सकते हो जो चैप्टर का स्टार्ट हुआ था वन फॉर्म ऑफ द हीट वन फॉर्म ऑफ द हीट कैन बी कन्वर्टेड टू द अनदर फॉर्म ऑफ द हीट क्लियर है इसीलिए तो पता क्या होता है बच्चे जब कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो जिसे हीट अंदर बाहर नहीं जा सके तो उसका सम ऑलवेज क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू एफ एल ओ टी कॉन्स्टेंट क्यों क्योंकि एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में बदल रही है डिस्ट्रॉय थोड़ी हो रही है क्रिएट थोड़ी हो रही है बस एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में बदल रही है इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन लॉ उसने कहा जी ऐसा कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा कोई भी मशीनरी नहीं बना पाओगे क्लियर पर परपेचुअल मशीन का मतलब मोशन मशीन का मतलब लगातार 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 लगा चलने वाली उसको हीट तो नहीं और वर्क हुआ जा रहा है मान के चलो ना आपका मोबाइल है उसको चार्ज करो नहीं और फिर भी आप उस पर लेक्चर देख पा रहे हो आपके लैपटॉप पे आप लेक्चर देख पा रहे हो आप कोई यूट्यूब देख पा रहे हो।, हो आप कुछ भी ऑपरेशन चला पा रहे हो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा आप उसको हीट सप्लाई दो ना और उसे काम लेते रहो कुल मिलाकर इन तीनों का एक ही कंक्लूजन निकलता है वन फॉर्म ऑफ द हीट वन फॉर्म ऑफ द हीट कन्वर्टेड और और चेंज टू दर फॉर्म तभी तो एक आइसोलेटेड में सम कॉन्स्टेंट पड़ा है तभी तो किसी ऐसी मशीन बना नहीं पा रहे आप जिसको बिना हीट दिए वर्क करवा पाओ हीट दोगे तभी वर्क होएगा हीट दोगे तभी वर्क होएगा यस yes, इसका मैथमेटिकल फॉर्म ज्यादा तामझाम करने की नीड नहीं है सीधा सा जवाब है क्या डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू एंड प्लस माइनस डब्ल्यू जैसा क्वेश्चन वैसे डीलिंग अगर वो कह रहा है हीट इवोल्ड तो माइनस हीट एब्जोर्ब तो प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम तो आपके पास बाय द सिस्टम माइनस वर्क डन ऑन द सिस्टम तो आपके पास क्या हो जाएगा ऑन द सिस्टम तो प्लस हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा डब्ल्यू की जगह पी डेल्टा भी मिल सकता है क्लियर उस फॉर्मूले में लगाओगे आंसर आपको इंटरनल एनर्जी चेंज के मिलते रहेंगे चेक okay, चेक करके देख लेते हैं जी ये दो क्वेश्चन आपके हवाले किए मैंने पहला क्वेश्चन ये वाला पढ़ना फटाफट ये तो पढ़ते पढ़ते सोल्व हो जाएगा बस उसमें वैल्यू पुट करनी है आपने डेल्टा है yes, ठीक है जी प्रोवाइडेड फिफ्टी ऑफ हीट टू द सिस्टम तो फिफ्टी प्लस हो गया वर्क डन ऑन द सिस्टम तो फिर प्लस हो गया तो सम क्या हो गया 60. ये देखना एग्जाम्पल सिक्स टन बाय सिस्टम माइनस हो गया जूल हीट सप्लाई टू इट मतलब ये प्लस हो गया यस सर सेवेंथ भी चेक कर लो सेवन भी चेक कर लो एक बार इसमें बस वही रहेगा जो कन्वर्जन है वन लीटर एटीएम इज इक्वल टू वन लीटर एटीएम इज इक्वल टू वन लीटर एटीएम इज इक्वल टू वन हंड्रेड वन पॉइंट थ्री यस सर इन तीनों क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आया तो बात कर सकते हो फ्री फ्री एक्सपेंशन एक्सपेंशन की सारी बातें आपको जा चुकी हैं। के लिए डिपेंडेंसी मतलब थी डेल्टा टी क्या चल रहा है जीरो कल बताया था डी यू क्या हो जाएगा जीरो एडिबिटी के लिए क्यू जीरो मिलाकर उसने जो फर्स्ट ऑफ थर्मोडे का मैथमेटिकल फॉर्म था डेल्टा

नेक्स्ट फोकस अब हमारा एक तो क्वेश्चन और भी इसने दिए हैं लेकिन चलो बात में कर लेना अब मैं इसको एंथैल्पी की तरफ लेके जा रहा हूं सब्जेक्ट को हमारे को क्योंकि थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज में थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज में मेरे पास पहली थी इंटरनल एनर्जी ठीक है जी दूसरा मेरे पास वर्क तीसरा मेरे पास हीट इन तीनों को क्लब करके हमने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना लिया इन तीनों को क्लब करके हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बना लिया ठीक है जी अब मैं चौथी थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूं इसको बोलते हैं हम लोग डिनोटेड बाय एच बाय एच। अब मैं आपको जिस तरफ लेके जा रहा हूं उस तरफ सीधे काम करो डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी इसकी जगह पर डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी तो पहला और दूसरे फॉर्मूले पर बेस्ड ढेरों क्वेश्चन हमसे डिस्कस हो सकते हैं एक छोटी सी बात और बता दूं कि जो डेल्टा एच है इसको हम क्यू पी भी लिखते हैं हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज आल्सो नोन एज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज आल्सो नोन एज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज आल्सो नोन एज इंटरनल एनर्जी चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज चाहो तो डेरिवेशन में चले जाओ तब भी आएगा आपके पास कुल मिलाकर आपको इन दो के बारे में ऑलवेज बात करनी है अब मैं आपको क्वेश्चंस की वैरायटी बता देता हूं इसकी इसके फीचर तो कैरेक्टरिस्टिक को पता है ये कैसी प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव ये कैसी प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव ये कैसा फंक्शन है स्टेट फंक्शन कौन एनथेलपी ये एक्चुअली क्या होता है कंटेंट हीट टोटल हीट ऑफ द सिस्टम

6o2 गैस बनेगा 3 वाटर लिक्विड बनेगा यहां 12 3 15 7.5 ऑक्सीजन होगा, और अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं कि यहां डेल्टा एच डेल्टा e का डिफरेंस क्या है तो पहले तो बच्चे इनको काटेंगे यहां से फिर डेल्टा ng निकालेंगे 6 7.5 इन दोनों का डिफरेंस -1.5 आ जाएगा और -1.5 को कहां पुट करोगे आप फार्मूले में ना तो डेल्टा एनजीआर माइनस वन पॉइंट फाइव कोई कंफ्यूजन हो तो बात करो सर ई में क्या लिखेंगे ई मतलब वो तो डिफरेंस सीधा ही पूछ रहे ना डेल्टा डेल्टा का डिफरेंस तो पूछ रहे ना सीधा वो सर okay, वो कहेगा इस गिवन इक्वेशन का आप बताओ डिफरेंस इन बिटवीन हीट्स एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम द आस्किंग अबाउट डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई ओके सर और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर टू की वैरायटी बनेगी इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर टू की वैरायटी बनेगी वो वैरायटी ये बनेगी आपके पास कि डेल्टा एच ज्यादा डेल्टा ई ज्यादा या डेल्टा एच डेल्टा ई बराबर है तो अब चेक कर ले जहां डेल्टा एनजी पॉजिटिव प्रीवियस पेपर देखो ऐसे ढेरों क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको वहां डेल्टा एच के कंप्रिजन में डेल्टा एच डेल्टा एच के कंप्रिजन में डेल्टा कम हो गया और अगर इसको माइनस कर दू तो डेल्टा ई ग्रेटर हो गया और अगर मैं इसको जीरो कर दू तो ये दोनों क्या हो गए बराबर ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम से मिलेंगे Under what conditions, delta H is to delta e. पहले तो बताओ वॉल्यूम जीरो को delta H, delta e हो, बराबर जाएंगे। दूसरा आपसे कहेगा और क्या कंडीशन आपने कहा जी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकली अगर हम देखें तो डेल्टा एनजी जीरो होने पर डेल्टा ई e और डेल्टा एच बराबर हो सकते हैं और अगर फिर भी समझना चाहते हो कि वाई डेल्टा एनजी पॉजिटिव फेवर्स द हायर वैल्यू ऑफ डेल्टा एच डेल्टा एन जी का प्लस वैल्यू डेल्टा एच को हायर क्यों कर रहा है आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं पुट करके बता देता हूं डेल्टा एच डेल्टा ई क्लियर ग्रेटर वाली वैल्यू में मान लो आपके पास वन ही है आर टी अब हो सकता है आप समझ पा रहे हो कि किसी स्मॉल वैल्यू में एडिशन होने के बाद वो डेल्टा एच के बराबर हुआ है मीन ऑफ़ इट डेल्टा डेल्टा इज़ ग्रेटर देन माइनस होने ये पर ये इस तरीके से हो जाएगा और जो जो मैं बोलता जा रहा हूं इसके आपको क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी फॉर्म में मिलेंगे पहले क्वेश्चन की वैरायटी दोनों का डिफरेंस पूछ लेगा दूसरी क्वेश्चन की वैरायटी कौन ज्यादा है कौन कम है ये पूछ लेगा और करेक्टरिस्टिक इसके ऑलरेडी हमें पता है स्टेट फंक्शन है एक्सटेंसिव है एब्सोलूट वैल्यू इसकी कैलकुलेट नहीं हो सकती और थर्मोडाइनमिक्स में इसकी एब्सोलूट वैल्यू की हमें नीड भी नहीं है किसी सिस्टम के टोटल इस किस किस की वजह से हमें क्या पता क्लियर तो कुछ वजह पता होंगी कुछ वजह नहीं पता होंगी तो नहीं वजह वाले जिनको हम डिटरमाइन नहीं कर पा उस वजह से इसकी एब्सोलूट वैल्यू नहीं निकल पाई तो इसके अंदर जो भी उसने लिखना था सारा के सारा मैंने साइड में लिख दिया है अब आपको इस पेज पे देखने की नीड कुछ भी नहीं है जितनी भी बातें वो कर सकता है सारी यहां आ चुकी है अब मैं आपसे कहूंगा क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि जिस बारे में बात कर रहा था आपके दिमाग में वो उतरा कि नहीं उतरा लो जी पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये रख दिया है। टेंथ नंबर क्वेश्चन चेक करो देखो समझो डाउट आए तो इमीडिएटली डिस्कशन करो वोटर वेपर अज्यूम टू बीफेक्ट गैस आइडियल मोलर एनथेलपी चेंज ऑफ एपरेशन ऑफ वन मोन वोटर टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड और ये दे रखा है डेल्टा एच फोर्टी वन किलो चूल डेल्टा ई डिस्कस कर रहा है यस yes, सर पता चला क्या करना है इसमें यस yes, इसमें डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस एनजीआरटी लगा के आज में डेल्टा तो एनजी क्या लिखूंगा बच्चे वन आएगा वन आएगा क्योंकि इधर लिक्विड है, इधर सोलिड है ये भाई साहब तो इस दुनिया से चले जाएंगे यही डिस्कस करेंगे तो यहाँ जैसी इसकी वैल्यू पुट करोगे ये ध्यान कर लेना किलो जूल जो बच्चे गलतियां करते हैं वो मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसीलिए इसमें वन का डिवाइड करोगे तो आंसर एग्जैक्ट किलो में निकल आएगा yes, और इसके बाद इसको रीड करना एग्जाम इलेवन को जिसे पता चले कि हम पीछे क्या क्या हरकतें कर रहे थे वो काम आ रही है कि नहीं आ रही है हाईलाइटेड पोर्शन दिस वन गए बच्चे no, बस आइडिया no, लेना बच्चे की अगर मेरे को उसने रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंडीशन है तो मैं पहले वर्क का फॉर्मुला लगा दू वर्क मेरे पास कैलकुलेट हो गया एक्सपेंशन है क्योंकि प्रेशर तुम घटा रहे हो क्लियर ये लोग हंड्रेडो के लो, लोग हंड्रेड टू हो जाएगा कैलकुलेशनों की आंसर आ जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा टी जीरो डेल्टा यू तो जीरो हो गया ये खत्म बराबर माइनस डब्ल्यू अगर वो माइनस है तो ये प्लस वो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा yes. उसके बाद आपको कंडीशंस बताएंगे डेल्टा एच कब डेल्टा ई e के बराबर हो सकता है क्लियर वो मैंने आपको बता दिया दो कंडीशन है डेल्टा एच और डेल्टा डेल्टाई e

डेल्टा एच इज डेल्टा डेल्टा ठीक है जी तो यहां मैंने क्या कर दिया है है डेल्टा क्योंकि मेरे पास कंडीशन लिया हुआ फिर मैं कैलोरी में पहुंचकर भी इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा डेल्टा एच इज इको टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी चलो इसको भी गोली मारो मुझे याद आ रहा है बॉय्स का ना हमने एक डिफरेंशियल फॉर्म दिया था पी डीवी और वी डी पी इज टू जीरो तो उसी फॉर्म में इसने लिखा हुआ है इसको डेल्टा पीवी सर। अब एक बार देखना बच्चे क्वेश्चन को सिर्फ आइडिया दो कि दिमाग में उतर जाएगा कि नहीं ऑफ़ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम यहां वर्ड रहेगा तो क्या दिया वर क्या पूछ रहा है yes, sir. अगला क्वेश्चन भी रीड कर लो क्वेश्चन रीड करना है सोल्यूशन नहीं रीड करना है सेवन पॉइंट एट ग्राम अभी ध्यान से सुन लेना और मोलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन सेवेंटी एट है आपको पता ही क्या दे रखा है उसने थ्री टू सेवन जीरोस क्यूकी कंबर्शन है हो सकता है तुम्हें पता चल गया हो ये डेल्टा यू या डेल्टा ई मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज मेंशन है और आस्किंग क्या है डेल्टा एच आस्किंग है हे भगवान बोलते नहीं है yes, sir. पता चल गया मैं क्या बोल रहा हूं हूँ yes, yes, चलो अच्छी बात है तो बात है और है है उसमें बोम है तो 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 और इसमें मैं मैं बच्चों को ना ना चाहे मेरे से कोई बच्चा ही पढ़ रहा हो तो मैं बोलता अगर नीट के टू जा रहे हो बोलता अगर के रहे ज्यादा मत लेना आपको एक फॉर्मूले पे फोकस करना है या तो तुम्हारा फिजिक्स वाला लगा लो क्यूजी डेल्टा टी फिर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा वहां जो एम एस, एस है वो स्पेसिफिक जो वहां एस है ना बच्चे वो स्पेसिफिक हीट है हमने यहां क्या है? पर क्या कर दिया पर ग्राम की जगह पर यहां हीट कैपेसिटी मेंशन कर दी है बस और हीट कैपेसिटी गिवन सब्सटेंस का मास होएगा और डेल्टा टी भी उसके अकॉर्डेंस में डेल्टा टी भी उसके अकॉर्डेंस में चेंज दो डिग्री का चेंज तीन डिग्री का चेंज आपको याद है आपके फिजिक्स का फॉर्मूला एम एस डेल्टा टी Yes, sir. yes. बस डेल्टा टी वो हरकत जो हमने की है पर ग्राम की है और ये हरकत हम यहाँ जितना मास गिवन है जड़ भी गिवन मास का वैल्यू होएगा और जो कैपिटल एम बाय स्मॉल एम है ये इसको पर मोल में कन्वर्ट कर रहा है कैसे कर रहा है कैपिटल एम ऊपर लिखा मोलिकुलर वेट नीचे लिखा गिवन मास गिवन मास की हीट कैपेसिटी कैपिटल एम बाय स्मॉल एम पर एम पर मोल और डेल्टा टी क्या निकला है आपके पास इट इज इट इज चेंज इन टेम्परेचर तो अच्छा है कि मैं बच्चे को वहां लेके चलू जहां इसका एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ाओ ताकि वो कंफ्यूज ना हो इस क्वेश्चन को देखना बच्चे ध्यान से अगर आपको दिख रहा है तो यहां उसने पता क्या किया कैलोरीमीट्री से डेल्टा ई कैलकुलेट करवाया एक ग्राम सबस्टांस है हाँ है ये क्या लिख दिया वन बाय और कौन है ग्रिफाइट तो वन बाय ट्वेल्व इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने उसने कहा जी इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर जो है

मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम वाला कौन था बॉम कैलोरीमीटर कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या कैलकुलेट था बच्चे कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या कैलकुलेट था डेल्टा ई डेल्टा ई का कैलकुलेशन किया हमने मीन है कि क्वेश्चन कर पा रही हो कि नहीं तो फॉर्मूला चाहे तो एम एस डेल्टा टी वाला लगा देना तो या फिर जो मैंने अभी आपको बताया गिवन सब्सटेंस 12 ग्राम दे रखा होता सीधे यहां 12 ग्राम दे रखा होता उस accordance में इसकी specific हीट भी चेंज थी। okay, sir. तो थोड़ी अकल लगा के देखो बच्चे सारा के सारा प्रोग्राम, MS -T ही हो गया yes, sir. Okay. अब एक काम करने जा रहे हैं जी एंथेल ऑफ द रिएक्शन अब हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में एंट्री कर गए अब हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में एंट्री कर गए सेकंड पार्ट इस चैप्टर का कौन है? थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे पहले समझ लें रिएक्शंस के दो टाइप होंगे। एक्सो, एंडो। एंडो मतलब पॉजिटिव डिनोशन डिनोट करोगे और एक्सो मतलब उसको नेगेटिव डिनोट करोगे और अगर मुझे एच आर ग्रेटर मिल गया तो वो एक्सो है अगर मुझे एच पी ग्रेटर देन एच आर मिल गया तो पक्का वो एंडो है yes, ठीक है जी और अगर ए के साथ बी देकर प्लस हीट लिख दे तो समझ जाना कि एंडोथर्मिक है क्योंकि हीट एब्सॉर्ब करके सिस्टम प्रोसीड किया है कई बार ऐसे भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कई बार इस तरफ हीट ऐसे लिख देगा

ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर स्टेट या दोनों आपस में कनेक्टेड याद करने में दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद कॉन्स्टेंट कंडीशन ऑफ वॉल्यूम हैेशर है तो यहां डेल्टा ई निकालोगे यहां डेल्टा एच निकालोगे या निकालो फिर एस टीपी कंडीशन है या नोन एस कंडीशन है उससे भी डेल्टा एच आपका क्या हो जाएगा अफेक्ट हो जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल स्टेट चेक करो ये लिक्विड ये गैस ये लिक्विड ये गैस तो एंथेल्पी में कमी आ गई क्योंकि लिक्विड से गैस बनने में एंथेल्पी क्या की उन्होंने ऑब्जॉर्व की yes, सोरे हो क्या पक्की कर यस सर चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम सो नहीं रहे हो फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इतनी बात अगर आपको समझ में आए तो क्लियर है उसके बाद थोड़ा सा मूव करते हो हम आगे की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट मैंने बच्चों को बताया एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन अगर ग्रेफाइट डायमंड डायमंड ग्रेफाइट इनका एग्जांपल उठाएं तो देखो जी यहां मेरे पास ग्रेफाइट बर्न करवा रहा है माइनस थ्री या डायमंड बर्न करवा रहा है माइनस थ्री नाइनटी अप्रोक्स तो वैसे भी एक दिन आपसे बात हुई थी चैप्टर का नाम था पीब्लो ग्रुप नंबर कौन सा चल रहा था 14 और वहां क्या चल रहा था एलोट्रोप्स वहां बताया था ग्रिफाइट इज थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल क्योंकि उससे कम हीट इवोल्व हुई थी इसका मतलब उसका एनर्जी कंटेंट कम था Yes sir. नेक्स्ट मैं गया किस पर वो है कॉन्सेंट्रेशन ये तो एलोट्रोपिक मोडिफिकेशन हो गया कॉन्सेंट्रेशन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर और इस ऊपर एक दो और आपके पास एलोट्रोपिक हो गया क्लियर इसके अलावा कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैलकुलेट किया है कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट किया है. ये देखो जी तो इससे अच्छा कि वो जो मैंने पीछे लिखा था ना उसी से काम चला लो फिजिकल स्टेट एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन मास कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है या कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे कॉन्स्टेंट प्रेशर पे या कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे एसटीपी है नॉन एसटीपी है अगर इतनी बात समझ में आए तो आगे बढ़े भाई

बोर्न हैबर साइकिल अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात नहीं याद है तो भी बहुत अच्छी बात अब कुछ कर तो सकते नहीं वन मोल ऑफ सोडियम हाफ मोल ऑफ क्लोरीन डायरेक्टली रिएक्ट टू अदर एंड विल फॉर्म द सॉलिड ये इसका डेल्टा फॉर्मेशन का इक्वेशन है अगर मैं सोडियम को ये तो एक स्टेप में काम चल गया हमारा मैं आपको हैसलो ऑफ कांस्टेंट हीट समन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं रिएक्शन प्रोसीड्स इन वन स्टेप अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रही हो अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रही हो और सेम रिएक्शन सोडियम गैस सोडियम किटायन क्लोरिन एटम इलेक्ट्रॉन लूज किया गेन किया क्लोराइड सोडियम सोलिड सोडियम गैस इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया

यस yes, और आप समझ गए तो यस yes, ठीक है जी ये लो जी इन पांचों के एनर्जीज़ का जो चेंज होएगा वो एक स्टेप के एनर्जी चेंज के बराबर होएगा yes, ठीक है जी अगर ये सारी बातें आप समझ गए हो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड तो हम आगे काम शुरू करते हैं नेक्स्ट मेरे पास अब कुछ वैरायटीज़ ऑफ द हीट शुरू हो रही है डिफरेंट टाइप की हीट शुरू हो रही है डिफरेंट टाइप की हीट शुरू हो रही है तो पहली हीट की बात कर लें हिट ऑफ कंबशन पहली हिट की बात कर लेट ऑफ कंबशन ये क्या मिनका जी आपको वन मोल ऑफ दबस्टांस बर्न करवाना है उस पूरे प्रोसेस में जितनी हीट इवोल्व क्योंकि कंबशन की एंथेल ऑलवेज एक्न मोल ऑफ दबस्टांस बर्न करवाना है उस पूरे प्रोसेस में जितनी हीट इवोल्व हो जाए उसको आपने क्या बोल देना है हीट ऑफ कंबर्शन कहते जी ये तो हमें समझ में आ गया हमें समझाओ हीट ऑफ कंबर्शन का हमें बेनिफिट क्या है मैंने कहा जी इससे आप लोग कैलोरीफिक वैल्यू इससे आप कैलोरीफिक वैल्यू इससे आप कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हो कहते ये क्या कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है मैंने कहा कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि पर ग्राम जो जितना ज्यादा हीट इवॉल्व करेगा पर ग्राम पर ग्राम जो जितना ज्यादा हीट इवोल्व करेगा पर ग्राम वो उतना अच्छा फूड या फ्यूल होएगा तो फ्यूल की क्वालिटी या फूड की क्वालिटी दोनों पर ग्राम पता लगाने में हमें कौन हेल्प कर रहा है उसको बोलते हो आप लोग हीट ऑफ कंबशन तो थोड़ा सा चेक कर क्वेश्चन में एक है इथेन वेट थर्टी ये क्या इथाइन मॉलिक्यूलर वेट 24 r c h कौन है ये इथाइन c2 26 वो कह रहा जी इसके 30 ग्राम से इतनी एनर्जी निकलती है इसके 30 ग्राम से इतनी एनर्जी निकल रही है 26 से माइनस -310 पहली बार में देख के लगता है कि अच्छा फ्यूल इथेन है लेकिन बाद में पता चलता है पर ग्राम निकाले जब कि इथेन नहीं इथाइन अच्छा ले सर। yes, कंफ्यूजन हो तो बता दो नो सर ठीक है जी और वैसे भी आपने टेंथ क्लास में पढ़ा हुआ था ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कभी ऑक्सी इथेन फ्लेम नहीं सुना ना तो इसका मतलब जो इथेन है वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर कम एनर्जी पर ग्राम निकाल रहा है और इथाइन ज्यादा एनर्जी पर ग्राम निकाल रहा है बात क्लियर हो गई तो आगे बढ़ सकते हैं yes. चलो जी नेक्स्ट आपके पास है एंथेल्पी और हीटो फॉर्मेशन। एंथेल्पी और द हीटो फॉर्मेशन तो इसमें दो चीन बातें याद रखो पहला कि एलिमेंटल फॉर्म स्टैंडर्ड एलिमेंटल फॉर्म अगर चलनी है कंपाउंड बनाने में एक बार फिर डिफाइन करता हूं ध्यान से सुनना मुझे अगर हीटो फॉर्मेशन के बारे में बात करनी है पहली बात मुझे वन मोल ऑफ सबस्ट ही प्रोड्यूस करना है पहली बात पहली बात मोल ऑफ और फिर जो रिएक्टेंट साइड में लिखोगे जो रिएक्टेंट साइड में लिखोगे जो रिएक्टेंट साइड में लिखोगे वो रिएक्टेंट साइड में जो आपने सबस्टांसिस लिखने जो रिएक्टेंट साइड में आपने सबस्टांसिस लिखने सुन पा रहे हो अगर

वहां से वाले आइसोटोप लिखने और जैसे सल्फर है तो उसका रोम्बिक फॉर्म कंपेरेटिवली अल्फा फॉर्म बोलते हैं इसको ज्यादा स्टेबल है पी एलिमेंट ग्रुप नंबर 15 है एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर 16 सॉरी तो ये इसका ज्यादा स्टेबल फॉर्म है इसका ज्यादा स्टेबल फॉर्म है तो एलिमेंटल होना चाहिए और उसका स्टैंडर्ड स्टेट होना चाहिए उससे तुमने कंपाउंड्स बनाने उसको बोलते फॉर्मेशन तो अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे बताना जो मैं लिखने जा रहा हूं वो हिटो फॉर्मेशन का इक्वेशन है या नहीं ये वन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बन गया इज इट द हिटो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सर आपने नहीं की सॉलिड गैस सोलिट ज इट द हिटो फॉर्मेशन इक्वेशन फॉर द हिटो फॉर्मेशन ऑफ अः कैल्शियम कार्बनेट जो यसर कह रहा है उसको मुक्का पड़ेगा ये एलिमेंटल है क्या कैल्शियम सोलिट कार्बन का ग्रेफाइट वो तो सोलिड बाई डिफॉल्ट हो गया वन पॉइंट फाइव ऑफ ओ टू विल फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट सोलिट और ये गैस इट इज द एग्जेक्ट इक्वेशन फॉर द हिट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपको सब नहीं लिखना आएगा ना तो आगे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब में फेल हो जाएंगे थर्मोकेमिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द मेडिकल एग्जाम्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और वैसे भी चाहे नॉन मेडिकल के क्वेश्चन भी उठा लो सेवेंटी थर्मो से रहता है बोलो भाई yes, yes, तो अगर मैं एच टू का Cl2 टू से गैस फॉर्म गैस फॉर्म रिएक्शन करवाकर टू एच सी एल बताओ भाई सर no, इसमें क्या हो गया अब? टू तो मोल्स बन रही है हाँ टू मोल बन रहे हैं इसलिए हिटो फॉर्मेशन का इक्वेशन नहीं है समझ पा रहे हो भी क्या हो रहा है ये तो हिटो फॉर्मेशन पे जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए लिटरली वर्ड टू वर्ड वो ओबे होने चाहिए बोलो बोलो

है है तो 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 हम जीरो मान के चलते हैं ठीक जी तो यहाँ जैसे गैस है है, इसका हिटो खुद का है, हिटो फॉर्मेशन फॉर्मेशन का तो जो यहाँ रिजल्ट रहेगा चाहे वो हाफ ऑफ करके वन बना दो वो एच बी आर का बाकी किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा लाइक बच्चे वैसे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो तुम क्या करते हो सेल जो एस एच ई है बाई डिफॉल्ट उसको जीरो मान के चलते हो ना नहीं तो फिर किसी का आंसर yes, ही निकलेगा मान लो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको एस एच ई से कनेक्ट कर दिया तो एस एच ई का खुद का भी कुछ ना कुछ होगा तो सेल में दिखेगा वो तो तो हम तो मान ही लिया ना कि हाइड्रोजन का जीरो है हाइड्रोजन का जीरो है तो ऊपर जो वैल्यू आई वो सिर्फ और सिर्फ उस मेटल की आई है जो आपने हाफ सेल में ले रखा है यस yes, सर लो जी ये लाइन जो आप बोल रहे थे वो यहां हाइलाइटेड है इट इज अज्यूम्ड दैट स्टैंडर्ड एन्थैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स आर जीरो यस अब आपको 16 नंबर क्वेश्चन पे एक से डेढ़ मिनट लगाना है 90 सेकंड हाईएस्ट है आइडिया दे दो कि आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे एग्जैक्ट सॉल्यूशन ही निकालना उस थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा माइनस कर देंगे क्या जी माइनस कर देंगे हीटो okay, है इसको तो माइनस थ्री टू सिक्स सेवन करना ही करना है हीटो फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ़ सीओ टू वॉटर और हमें कैलकुलेट करनी है बेंजीन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो थोड़ा सा आइडिया दे दो कैसे करोगे क्वेश्चन को फिर तो आगे बढ़े नहीं तो यह अटके रहो ये दो आइडिया हम आप यस सर सर इसमें हम तीन इक्वेशंस बनाएंगे इसमें एक सेकंड से से � आप लोग खुद क्यों नहीं करते हो भाई हैं थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना चाहिए हाँ सर अब याद आ गया ये कैसे होगा थ्री टू सिक्स सेवन हो गया उसके बाद नंबर टू पे आपको बेंजीन का बहुत बात की बात है फिर कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू सीओ टू फिर तीसरे नंबर पे आपके पास हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हाइड्रोजन वाटर का फॉर्मेशन h2o इसका जो एंथेल्पी है थ्री नाइन थ्री पॉइंट फाइव है इसकी जो एंथेल्पी है वो माइनस टू एट्टी फाइव पॉइंट ना और उसके बाद आपसे तो तो कर लो इक्वेशन नंबर टू को सीधा छह से मल्टीप्लाई करके लिख दो इक्वेशन नंबर थ्री को भी तीन से मल्टीप्लाई करके तो अब आपके पास एग्जैक्ट हो जाएगा प्लस थ्री टू सिक्स सेवन उसमें ऐड करना है किसको सिक्स इंटू माइनस थ्री थ्री पॉइंट फाइव को उसमें ऐड करना है थ्री माइनस टू एट्टी फाइव पॉइंट को इसका जो आंसर बनेगा वो बेजीन का हीटो फॉर्मेशन बनेगा ये बोल रहे थे बच्चे जो भी बच्चा बोल रहा था मैंने बीच में रोक दिया था yes, चलो अच्छी बात है ये इतना सारा आंसर लिखा, लिखा हुआ है इसका बड़ा सारा सॉल्यूशन पूरा लिखा हुआ क्यों भाई अब थोड़ा इस पे नजर मारो एग्जांपल नंबर सेवनटीन पे बिना क्वेश्चंस के जा रहे हो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो चैप्टर में का कमपशन, कार्बन के ग्रेफाइट का कंबशन हाइड्रोजन का कंबशन और हीटो फॉर्मेशन ऑफ इथाइन निकालनी है आपको yes, आइडिया दे सकते हो तीन इक्वेशन yes, बनी जैसे तो तो yes, चलो आपने जो बोल दिया मैंने मान लिया कि जैसे पिछले वाला हुआ था वैसे अगली वाला हो जाएगा चलो अच्छी बात है वेरी गुड अब इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि पिछले दो की तरह ये तीसरा सर इसमें हम डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस एंटी एच रिएक्टेंट करेंगे मुझे लगता नहीं ऐसी कोई नीट पड़ेगी आपको इसने कुछ कहा है ऐसा मोलर हीट फॉर्मेशन दी हुई है और इन दोनों की दी हुई है क्लियरली इक्वेशन का आपको निकालना है तो इसमें इसमें आपको पहले ऐड करना पड़ेगा तब बात बनेगी ना इसका इसका हीट फॉर्मेशन मतलब इस इक्वेशन को बनाना है सबसे पहले तो ना वैसे तो इतना नीड ही नहीं थी आपको ये तीन इक्वेशन बनाओ इसको ओपोजिट कर दो तो ये प्रोडक्ट में आएगा ये प्रोडक्ट में आएगा उनको सीधा सीधे ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा yes, sir. ये रिएक्टेंट में चाहिए तो इसको तो ओपोजिट करना पड़ेगा ये ऑलरेडी प्रोडक्ट में पड़े हुए बस मुझे लग रहा है वोटर वाली को डबल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा यस yes, सर चलो आप समझ गए ये बहुत अच्छी बात है अब हल्की फुल्की सी बातें आ रही हैं छोटी छोटी सी ध्यान देना भाई एक है हाँ आपके पास एंथेलो वेपराइजेशन इसमें कोई ज्यादा बात बोल नहीं सकता सबको पता है वैसे ये हेडिंग जो आती है ना वो है फेज ट्रांसफॉर्मेशन फेज मतलब सोलिड लिक्विड गैस फेज ट्रांसफॉर्मेशन फेज ट्रांसफॉर्मेशन तो मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ चलूं तो फ्यूजन वाली एंडो है काम करना ही नहीं अगेन एंडो है। आप समझ पा रहे हो तो सब्लिमेशन इन दोनों का सम है लेकिन अगेन एंडो है कोई सब्लिमेशन की एनर्जी कोई भी सब्लिमेशन की एनर्जी एक्सोथर्मिक हो ही नहीं सकती है क्योंकि में आप किसी सोलिड का जो गिवन कॉम्पोजिशन है वो ब्रेक कर रहे हो अब आपके पास दो हो रहे है। एक है, है सोल्यूशन वर्डिंग सुनोगे तो बात समझ में आ जाएगी क्योंकि इसके क्वेश्चन बच्चे जनरली फंसा कर लेकर आते हैं सुनते नहीं बात को क्लास में तो फंसेगा ही फंसेगा क्वेश्चन ध्यान से सुनो अगर हाइड्रेशन की बात कर रहे हो तो रिक्वायर्ड क्रिस्टलाइन वॉटर एड करने होते हैं रिक्वायर्ड मोलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइन वोटर रिक्वायर्ड मोलिक्यूल्स ऑफ द क्रिस्टलाइन वॉटर रिक्वायर्ड मोलिक्यूल्स ऑफ द क्रिस्टलाइन वॉटर एड करने होंगे बस जैसे कॉपर सल्फेट सोलिड नो चेंज इन फिजिकल स्टेट सोलिड मे इन सोलिड

अब ज्यादा उलझते क्यों हो फॉर्मेशन ऑफ सैचुरटेड सोल्यूशन भाई का मतलब है जितना घुलना था घुल गया अगला कोई भी सोलवेंट का अमाउंट डालोगे तो सोलवेंट सोलवेंट तो फर्दर हीट में चेंज नहीं आएगा हाइड्रेशन क्या है जी रिक्वायर्ड मोलिक्यूल ऑफ वॉटर एड करना क्रिस्टलाइन एंथेल सोल्यूशन क्या घोलना अगर आप इन चीजों को समझो तो थोड़ा सा इसकी इक्वेशन भी जरूर समझना इक्वेशन क्या थी इसकी इक्वेशन थी अगर हाइड्रेशन कह रहे हो सोलिड रिमेंस सोलिड बट यू शुड एड द रिक्वायर्ड मोलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइन वॉटर और सोल्यूशन अगर रिएक्टेंट साइड में आपने क्या लिखा हुआ है सोलिड तो प्रोडक्ट साइड में आप पता क्या कर दोगे प्रोडक्ट साइड में पता क्या कर दोगे सोलिड को हटाकर ब्रैकेट में एक्वस में चली गई जनता no no चलो जी अच्छी बात है यह है मेरे पास एंथेलपी ऑफ आयोनाइजेशन एंथेलपी ऑफ आयोनाइजेशन मतलब किसी भी मोलिक्यूल जैसा कि आयनिक क्लियर में पढ़कर आए थे आप कि किसी भी मोलिक्यूल का पानी में जाकर अपने आप को आयंस में कन्वर्ट कर लेना और साफ सी बात है कि जब कभी भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा बच्चे कहते यहां कौन सा अट्रैक्शन फोर्स आ गया एच प्लस सराउंडेड बाय वॉटर मोलिक्यूल्स सो एक नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या लगेगा अट्रैक्शन फोर्स क्लियर तो वो पीछे क्या था हिटोहाइड्रेशन पीछे क्या था हिटोहाइड्रेशन हिटोहाइड्रेशन तो गारंटी लिख के देव हिटोहाइड्रेशन पे तो गारंटी लिख के देकर आ जाओ हिट ऑफ हाइड्रेशन पे तो गारंटी लिख के देओ कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होएगा ही होएगा और यहाँ क्या हो रहा है पोलर कोवलेंट कंपाउंड को डिसोल्यूशन इन वाटर करके स्प्लिट कर रहे हो और आयंस प्रोड्यूस कर रहे हो एक फर्क समझाया था मैंने क्या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या फर्क है अगर कंपाउंड ऑलरेडी स्ट्रांग है तो वो डिसोसिएट करेगा अगर वो वीक है तो आयनाइज करेगा ठीक yes, yes, है जी तो एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा रखी थी मैंने वापिस उसको रिमूव कर दिया तो मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं सुनो एक दो क्वेश्चन फंसते हैं इस पर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंथेल्पियॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन इन एक्सन ऊपर था ना भी आय का फॉर्मेशन ये वाला कैलकुलेट करना है मान लो फोर द कैलकुलेशन ऑफ एंथेल्पियॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन इन एक्वाइन एंथेल्पियॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच प्लस आयन इन मतलब इसके बनने की जो एंथेल्पी है मान लो तुम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहे हो तो प्रोडक्ट में ये इन्वॉल्व होएगा और रिएक्टेंट में ये इन्वॉल्व होएगा जो डिफरेंस सामने आएगा वो 75 75.2 है तो एंथैल्पी ऑफ ऑफ फॉर्मेशन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज टेकन एज़ 0 ये मैं आपको बता रहा हूं

पानी के अंदर वो हमने टेकन का है, टेकन, है अपने लेवल पे इसको मान लिया गया इच्छा से एलेक्ट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब तो टू हाइड्रोजनेशन आप में एक करो में दो हाइड्रोजन ऐड करो इतना हीट इवोल्व हो जाए दैट इज अट ऑफ या एबजोर्व हो जाए वैसे जनरली हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन में होती है ऑफ इज ऑलवेज एक्सो कुछ ऐसी आप गारंटी लिख के दे सकते हो कि वो एक्सो ही अब सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ना है फ्रॉम द स्टैंडर्ड एंथेलपीज ऑफ कंबशन ये कार्बन का कंबशन हाइड्रोजन का कंबशन इथिन का कंबशन आपको स्टैंडर्ड एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन सी टू एच टू कार्बन टू हाइड्रोजन वन ये कैलकुलेट करके बताना है अच्छा ये दे रखी उसने ये भी दे रखी है ओके 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 आपको ये नहीं बताना आपको बताना है इथीन इथाइन पे हाइड्रोजन ऐड किया इथिन बना डेटा बताऊं आप मुझे बता सकते हो कौन सी इक्वेशन सीधी चलेगी कौन सी उल्टी चलेगी एक ये है दूसरा डेटा आपके पास ये वाला है तीसरा डेटा आपके पास ये वाला है और अगला डेटा आपके पास ये वाला फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्रीम कोई बता सकता है कि ऊपर चार डेटा को देखकर ये वाली इक्वेशन कैसे बनाओगे सर लास्ट टू इक्वेशंस रिवर्स हो जाएंगी लास्ट टू इक्वेशंस रिवर्स हो जाएंगी क्योंकि मुझे इथेन चाहिए प्रोडक्ट साइड में लो जी ये रिवर्स हो गई इसके अलावा हाँ ये मुझे चाहिए किस साइड में रिएक्टेंट साइड में।, में तो ये भी रिवर्स हो गई और बाकी किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो इस वाली इक्वेशन को सीधे लिखकर दो से मल्टीप्लाई आई थिंक और फर्स्ट इक्वेशन के साथ कुछ करना पड़ रहा है मुझे लगता है वैसे कैंसल वैंसल हो जाएगा उसकी तो नीड नहीं है ना वो तो रिएक्शन के थ्रू कैंसलेशन में चला जाएगा वो देखना पड़ेगा कितने कार्बन बच रहे हैं उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चलो जी ऊपर वाली भी बोलो बोलो ऊपर वाली भी टू से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगी नहीं वो इक्वेशन देख लेते हैं ना कि जैसे मेरे पास आप फर्स्ट एक इस इक्वेशन में क्या दो सी टू है इसमें सी टू है इसमें दो सी लिखे ना आपने ये वाले हमें हाँ दो, दो से मल्टीप्लाई करना आपको बिल्कुल ठीक है ठीक है ये बस आगे पीछे देखकर ट्राई मार लो इसका ना आगे पीछे मतलब क्वेश्चन के जितने भी वर्ड्स है उसको ध्यान से पढ़ो ये क्वेश्चन मैं जल्दी बच्चों को बोलता हूं कि करो क्योंकि इसमें हाइड्रेशन और सोल्यूशन के बारे में बात कर रखी है सर ये वाला बता दूँ। क्यों बता दू <laughs> अभी बताया तो था, था कैसे करना है इसको हिट सोल्यूशन ऑफ एनड्रस कोपर सल्फेट इज माइनस फिफ्टीन पॉइंट नाइन किलो कैलोरीज तो सबसे पहले मैंने कोपर सल्फेट लिखा ये मैंने सोलिड लिखा ये मैंने एक्वस लिखा इन भाई साहब ने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम वाटर जो एब्जॉर्ब करने थे वो भी कर लिए और फिर उसके बाद ये सोलिड में नहीं एक्वस फॉर्म में दिखाया गया और इसका जो डेल्टा एच है वो माइनस फिफ्टीन दिखा दिया गया है और जो डेल्टा ये वाला है कॉपर सल्फेट डॉट फाइव इसको मैंने सोलिड फॉर्म में लिखा या एक्वस लिख लिया तो कॉपर सल्फेट डॉट फाइव वोटर क्या लिख दिया एक्वस क्योंकि दोनों क्या दे रखी हिट ऑफ सोल्यूशन एच की वैल्यू कितनी है टू पॉइंट एट क्या आप समझ जाओगे इक्वेशन वन के साथ क्या हरकत करनी है टू के साथ क्या हरकत करनी है आपको कैलकुलेट ऑफ हाइड्रेशन है मतलब इसका इसमें कन्वर्जन चाहिए इसको तो सीधा लिखा रहने दो इसको उल्टा लिख लो Yes, मुझे लगता है आप समझे ही नहीं yes, कॉपर सल्फेट सोलिड को जो पानी में डालोगे ना कॉपर सल्फेट सोल्युड को दिशा सुन पा रही हो बच्चे yes, कोपर सल्फेट सोल्यूड को जो पानी में डालोगे ना अगर वो हाइड्रेशन कह रहा हो तो पांच वोटर मोलिक्यूल देना और छुट्टी पाना लेकिन अगर वो सोल्यूशन कह रहा तो है पहले उसको उसके डिजायर्ड फाइव मोलिक्यूल ऑफ द वॉटर प्रोवाइड कराओ एंड देन उसको सॉल्यूशन में लो एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो yes, ये लो जी लेटेस्ट सेंथेल के बारे में हमारा ऑलरेडी जिक्र हो चुका है इसके लिए मैं बच्चों को क्वेश्चन देता हूं करने के लिए वो क्वेश्चन ये पड़ा हुआ है तो जितना ज्यादा डिस्कशन बस एंथेलपीज खत्म हो गई हम सेकंड लो पे चलेंगे हम लोग ढेरों टाइप की एंथेलपीज थी और आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है सोल्यूशन के डाउट ले लोगे? हाँ जी क्या करें बेटा सर कल को सोल्यूशन चैप्टर के डाउट ले लोगे आप सेकंड लो नहीं करेंगे बस फिर कर लेंगे नहीं नहीं सर जब कंप्लीट हो गया हाँ तो हाँ हा, वो तो बच्चे देखो खाली तो हम रखते ही नहीं ना आप देखो हमने अब से लेकर जब तक पढ़ा है ना तो एक घंटा दस मिनट की क्लास है तो एक घंटे ग्यारह मिनट ही पढ़ाते हैं और शायद उसमें बकबक बक बिल्कुल नहीं करते एज जैसे लोगों की आदत होती है ना हम नहीं करते हेलिक्स वाले बिल्कुल नहीं करते ऐसी बात है ना हेलिक्स वालों का एक ही टारगेट होता है पढ़ाना 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 जैसे मूवी थी ना एंटरटेनमेंट 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 और हम कहते हैं पढ़ाना 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 सीधी बात नो बकवास तो इसीलिए काम की बात करते रहते हैं ऑलवेज ताकि बच्चों का फायदा हो जाए ज्यादा ज्यादा पैसा दिया तो उसका वसूली हो जाए फुल फ्लैश लो जी ये भी रेगुलर वाला है ना जो ग्यारहवीं में चलता है ना सरऑप्सिस उसके क्वेश्चन करवा रहा हूँ और अब तक गिनती करो बीस बाईस क्वेश्चन हम कर चुके हैं और हर वैरायटी के ताकि इस मौके पे भी जो बंदा आया है ना वो बोल के जाए कि यार ठीक है हेलिक्स वालों की वजह से सिलेक्शन हो गया है हाँ जी इस क्वेश्चन को देख लो एक बार ध्यान से पीछे एक फॉर्मूला लिखा था ना आपके लिए डेल्टा फॉर्मेशन इज इज टू सब्लिमेशन आयोनाइजेशन बॉन्ड डिसोसिएशन क्लियर और एक था लेटिस और एक था आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन ऐसे समझ लो ये पड़ा फो फॉर्मूला कहोगे तो मैं बता दूंगा मुश्किल से 90 सेकंड्स लगेंगे सर से हो गया सर हो गया क्लियर ये बोर्न है पर साइकिल पर बताया था आपको सिंगल स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड की तो डेल्टा च फॉर्मेशन है ठीक है जी वो ये लिख रखी है इसके बराबर इसका सम इसका सम इसका सम इसका समुर और लैटिस और वैसे भी लैटिस एक्चुअली में ना कैटायन एनायन के कंबाइन होने से बनती है तो वो सबसे ज्यादा सस्पेक्टेड एनर्जी जो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते कि क्वार्टरिनन का फ्री फॉर्म में आने ही दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क है तो हमने रास्ता बदल दिया उसको कैलकुलेट करने का हम्म पांच एनर्जीज का सम एक एनर्जी के बराबर तो उसमें से एक अननोन होगी जो पांच में से वो कैलकुलेट हो जाएगी कहोगे तुम तो इसको बता सकता हूं बोर्ड पे no जरूर दो सेकंड

इवोल्यूशन हुआ या एब्जॉर्प्शन हुआ जनरली एब्जॉर्ब भी होएगा क्यों तुम अगेंस्ट जार्व कॉम्पोजिशन के ये पहले से ग्रुप बना हुआ है मान लो तो इसको तुम अलग 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 कर रहे हो चैप्टर हुआ करता था डी ब्लॉक एलिमेंट 12वीं क्लास चैप्टर एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्लियर वही हीट ऑफ एटोमाइजेशन यहां बात हो रही है आपसे क्लियर तो क्या था सोलिड किसमें कन्वर्ट कर दिया गैस फॉर्म में इन दिस केस सेम एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बिल्कुल बल, गलत थोड़ी बोल रहा है क्योंकि वहां भी तो सोलिड को किसमें कन्वर्ट करते हो गैस में लेकिन जब तुम इन दिस केस लिखा ना इन दिस केस लेकिन जब तुम इसको इसके बराबर करोगे तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन भी बन जाएगी और ये हीटोवेटोमिजेशन भी बन जाएगी इन दिस केस ये बॉन्ड डिसोसिएशन और

आपको मिल सकते हैं, श्योर मिल सकते हैं। लो जी नेक्स्ट बोन डिसोसिएशन बस दो स्टेटमेंट देकर इसमें हम बात खत्म कर सकते हैं बो डिसोसिएशन की ठीक है जी अगर को बच्चे ठीक है तो डायरेक्ट जो आपके पास एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है चाहे वो एक्सोएच एंड जनरली नहीं मुझे तो ऑलवेज ही लगता है जब कोई बोन डिसोसिएशन करोगे डिसोसिएशन तोड़ोगे तो प्रोसेस ही कैसा होगा एंडोथर्मिक ठीक है जी और यहां लेके जाओगे अगर पोलि एटोमिक यहां लेके जाओगे अगर पोलि एटोमिक तो बच्चे उसमें आपको देखना क्या है कि सेम टाइप के बोन्ड है तो पहला बोन्ड दूसरा बोन्ड तीसरा बोन्ड चौथा बोन्ड फोर्थ बोन्ड इनको तोड़ने में अलग अलग एनर्जी लग रही है तो उस केस में आप इसका एवरेज निकाल दोगे इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट इफ यू टू कैलकुलेट कार्बन हाइड्रोजन बोन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन द पोलिटोमिक मोलिक्यूल फॉर यू शुड गो फॉर द एवरेज वैल्यू और वो काम मैंने कर रखा है चेक करना और समझना कि CH4 के चारों बोन्ड ब्रेक करने में हमें 1665 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उसने कहा तो, बात खत्म करो अगर कोई को, अगर कोई को, तो मीन निकालना पड़ेगा को तो जो वैल्यू है वो फाइनल वैल्यू है अब इसका अगर आप इस एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालना चाहते हो एप्लीकेशन तो बड़ा सिंपल सा वे अगर आप साइन यूज नहीं करना चाहते ना बचे साइन यूज नहीं करना चाहते तो क्या करना जैसे एच है गैस फॉर्म में क्लोरीन है गैस फॉर्म में हाफ ऑफ हाइड्रोजन हाफ ऑफ क्लोरीन सामने क्या बन गया HCl, कह रहा भाई सब इसकी एनर्जी निकाल के बताओ, आपने का बड़ा आसान है, तो जनरली हमने देखा ही है यहां हम साइन अवॉइड कर रहे हैं तो रिएक्टेंट की एनर्जीज का समेन बोन एनर्जीज रिएक्टेंट माइनस ऑफ द बोन एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट सीधे रिएक्शन आपके सामने निकल कर आ जाएगा

अगर आप मेरी बात को सुन समझ पा रहे हो तो तो ये देखो एक क्वेश्चन है इस पर और आप इसको कर पाओ तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन पढ़ लेना सॉल्यूशन मत पढ़ना कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन ये इथीन है ये हाइड्रोजन है ये इथीन है बोन एंथैल्पी ऑफ सी एच सी सिंगल सी डबल एच एच ये दे रखी है तो अब आप प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स करोगे तो चार सी एच प्लस एक सी सी प्लस एक एच एच का सम माइनस कर दोगे छह सी एच प्लस एक सीसी समझ गए ना yes, सारी जनता yes, पक्की गल yes, खुश तो बहुत हो गए तुम क्लास फ्री होगी तुम्हारी सर हाँ जी सर एक हीटो कम्बर्शन का ना क्वेश्चन है बोलो एन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस एंडोथर्मिक प्रोसेस तो है बच्चे वो ये पूछ रही हो ना यस सर हाँ तो इसमें इसको क्यों बोलना चाहती ही हीट ऑफ कम्बर्शन आप नहीं नहीं मतलब वही क्वेश्चन था कि ये हीट ऑफ कम्बर्शन होगी या नहीं होगी नहीं ये एक्चुअल में हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ भी तो कंसीडर हो जाएगा ना मैं जल्दी कई बार ऐसे बोलता हूं रनिंग में हिट ऑफ कम्बेशन इज एक्र्मिकॉट नाइट्रोजन को कंबशन में लेकर जाना कोई बच्चे सोचो ना मैं तो कह रहा हूं कि ये ट्रिपल है ये डबल है इसको गोली मारो इसका कंबशन भी करवा रहे हो तो साफ पता है कि इस बोन्ड का डिसोसिएशन वेरी डिफिकल्ट टास्क वे हाँ एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा ये

लेकिन यहां हीट क्यों क्योंकि नेट नाइट्रोजन का बोन तोड़ना बड़ा डिफिकल्ट इसमें क्लियर ना एंडो था इसीलिए इस, इसको शक से देखने लग गए मैंने कहा ठीक है फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल दो और हीटो फॉर्मेशन में भी एनर्जी निकलती है यहां खाया रहा है तो इसके बोले एंडो बनने वाला अनस्टेबल हो गया ठीक है ना और सर एक और था हाइड्रोजन गैस गैसीयस फॉर्म में एंड हाफ ऑक्सीजन गिव्स वाटर तो इसे इसमें ना इसमें हमें लिखवाया हुआ है कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर पर ये कंबशन तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेस में तो है नहीं नहीं तो ये ये भी एक मैं बात नहीं समझ पा रहा कभी कि जब हाइड्रोजन को बर्न होने के लिए जितनी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन थी हमने दे दी सारी की सारी तो फिर एक्सेस वर्ड कहां से आ गया ये कंबेशन कहा लिखा है कि एक्सेस रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन है जितना रिक्वायर्ड है yes, sir. तो उसी से तो क्या बन जाएगा कंपाउंड बन गया तो या हाइड्रोजन का कंबेशन हो जाए या हीटो फॉर्मेशन हो जाए क्या फर्क पड़ता है उससे वही सेम दीपांशी अगर कोई हीटो है और वही सब्लिमेशन है तो भी क्या ऑब्जेक्शन है बताओ ना एक्सेस वर्ड कहा लिखा है मुझे बताना

मेरी बात को एक्जेक्टली exactly पकड़ पाई मैं क्या कह रहा हूं मैं एक्सेस लिख yes, दोगी तो रिएक्शन में तो आधा मोली यूज होगा ना फिर भी yes, फिर तो एक्सेस वर्ड डालने की वह नीड मेरे अकॉर्डिंगली नहीं है रिक्वायर्ड वर्ड डाल दो इनफ है